मंगलवार को रामगढ़ कस्बे के खेड़ी रोड स्थित रामा देवी बलराम सिंह शिक्षा समिति एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे छात्रावास का औचक निरीक्षण किया गया। अतिरिक्त विकास अधिकारी रमेश गुर्जर, प्रधान नसरू खान ने अचानक छात्रावास का निरीक्षण किया। जांच के दौरान छात्रावास परिसर में एक भी बच्चा नहीं मिला, पूरा परिसर खाली पड़ा हुआ मिला। परिसर के अंदर जाने पर छात्रों के लिए किसी प्रकार की रहने की उचित व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ी। परिसर में बनाई गई दो बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग में सरोज देवी ITI प्रशिक्षण केंद्र चलता है, दूसरी बिल्डिंग में जहां छात्रावास बताया गया वहां पर नीचे LKG UKG के बच्चे पढ़ते मिले। ऊपर बने एक बड़े हॉल में घरेलू सामान रखा मिला। यह नज़ारा देख विकास अधिकारी काफ़ी गुस्से में नजर आए। वहां मौजूद छात्रावास के वार्डन भूपेंद्र चौधरी से अतिरिक्त विकास अधिकारी रमेश गुर्जर ने छात्रावास में रहने वाले बच्चों की संख्या के बारे में पूछा तो बताया कि कुल 23 छात्र छात्रावास में रहते हैं। सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता राशि नहीं मिलने के कारण व पोर्टल लॉक होने की वजह से किसी भी छात्र को छात्रावास में नहीं रखा गया है। इस पर प्रधान नसरू खान ने बताया कि अतिरिक्त विकास अधिकारी रमेश गुर्जर के साथ निरीक्षण किया, जिसमें छात्रावास जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और कहीं पर छात्रावास का बोर्ड भी नहीं दिखा। इससे बिल्कुल साफ दिखता है कि सरकार को चूना लगाया जा रहा है। इस बारे में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और मंत्री टीकाराम जूली को स्थिति से अवगत कराया जाएगा। करीब 12 बजे लगभग मैं वहाँ खेड़ी ग्राम में सर्वदेवी ITI है, उसके वहाँ एक अगर संस्था भी है, रामोदय बलराम सिंह के नाम से उसको रजिस्टर संस्था है। संस्था ITI को चलाती है और समाज कल्याण की अगर संस्था समाज कल्याण की पोस्टर छात्रावास उसको भी चलाती है। वहाँ आज निरीक्षण किया, मेरे साथ जो रेडियो भी थे रमेश गुजर जी और कई लोग थे, देखा तो वहाँ पर तो कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं, वहाँ खाने की व्यवस्था। बच्चों से पूछा भैया छात्रावास चला रहा आज तो ठहरने, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। तो बच्चों ने कहा यहाँ तो सब डेली अपडाउन करते हैं, हमारे कोई जन्म में है नहीं कि यहाँ जब रात को ठहरने की नहीं व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। उन्हीं लड़कों को जो लड़के उसमें आए वो आते हैं डेली आते हैं, उन्हीं को छात्रावास में अगर छात्रावास में दिखा दिया जाता है। इस तरह से बहुत बड़ा कोना लगाया जा रहा है सरकार। आपका कहने का मतलब कागजी एडमिशन दिखा रखे हैं छात्रावास में? एडमिशन दिखा रखे हैं। मैं इसी पूरी जान अभी रविकांत मोटवाल से बात करूँगा, समाज कल्याण मंत्री से बात करूँगा इस संबंध में कि बहुत बड़ा फेल हो रहा है। आपको कैसे इसकी आपकी जानकारी नहीं, कहाँ कोई संस्था चलाई नहीं, बच्चे नहीं है, न कोई खाने की व्यवस्था है, न बच्चों को ठहरने की व्यवस्था है। वहाँ इस तरह से पैसा सरकार को खाया जा रहा है।